नमस्कार दोस्तों, किरण की रसोई से इन फैमिली ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज है रक्षाबंधन और मेरे घर में मनाया जा रहा है बड़े ही धूमधाम से। तो यहाँ पर हमारी बड़ी दीदी सुषमा दीदी हैं और जो बच्चे हैं मेरे और पाठक जी हैं साथ, और ये हैं प्यारी अनीता दीदी जो बड़ी मस्ती में, और हमने सॉन्ग चला दिए राखी वाले और सब इंजॉय करते हुए रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहे हैं। तो ये राखी साल में एक दिन आती है। और साथ में हमारे वीडियो कॉल पर हैं आशा दीदी और सविता दीदी, जो कि इस बार किसी कारणवश नहीं आ पाई हैं, लेकिन उनको भी हमने साथ में लिया है और वो हमेशा ही हमारे साथ रहती हैं और हमारे दिल में उनके लिए बहुत प्रेम है। तो ये रक्षाबंधन जो होता है बहन और भाइयों का त्यौहार है, और ये जो बहनें आती हैं हमारे घर आशीष देने, दुआएं देने, ये रक्षा सूत्र बांधती हैं, जो कि भाइयों की हर मुसीबत से रक्षा करते हैं और सुख समृद्धि और वृद्धि के लिए बहनें साल में एक दो बार तो आनी ही चाहिए, और हर महीने आए तो और अच्छी बात है। तो ये राखी दिखा रही हैं, बड़ी सुंदर सुंदर राखियां लेकर आई हैं दीदी, और बहुत सारी मिठाइयाँ, बहुत सारी चीज़ें, जूस वगैरह, काफ़ी गिफ्ट्स लेकर आई हैं बच्चों के लिए भी। तो यहाँ पर पाठक जी को तिलक कर रही हैं हमारी बड़ी दीदी और अनीता दीदी हैं साथ में। तो ये बहुत सुंदर त्यौहार है, रिश्तों का त्यौहार है, रिश्तों को बांधे रखने वाला प्यार का त्यौहार है। तो साल में एक बार ये त्यौहार आता है, तो आप ये त्यौहार ज़रूर मनाएं। एक भाई बहनों का गेट टुगेदर हो जाता है और अच्छा रहता है कि इसी बहाने त्यौहार फेस्टिवल के बहाने भाई बहन और फैमिली आपस में मिलती है। ये आ गई हमारी प्यारी डॉली, तो ये और ये डॉली आशुतोष को बांध रही है राखी, और यहाँ हमारा खाना भी रेडी है मज़ेदार, और ये कृष्णा को भी डॉली ने रक्षा बंधन बांधा है। तो यहाँ पर दीदी हमारी फिर राखी बांध रही हैं, और सविता दीदी और आशा दीदी की भी राखी बांध रही हैं, उन्होंने राखी भेजी है। तो ये उन्हें दिखा रहे हैं कि ये देखो मैं तुम्हारी भी राखी बांध रहा हूँ। तो इसी तरह भाई बहनों का प्यार बना रहे और सभी खुश रहें। तिलक करके और राखी बांधकर और उसके बाद भाई का मुंह मीठा करके ये रक्षाबंधन मनाया जाता है। उसके बाद भाई बहन को उपहार में कुछ देते हैं, तो ये रिवाज है सभी का रक्षाबंधन का। और ये हमारी दीदी बहुत सुंदर सुंदर राखियां लेकर आई हैं, तो ये दिखा रही हैं। और यहाँ पर है बड़ी दीदी, बड़ी दीदी भी पाठक जी को तिलक कर रही हैं और रक्षा सूत्र बांध रही हैं, और ये बेटे को भी भतीजों को भी शुभ आशीष देती हैं बुआएं। तो यहाँ पर बुआ जी आशुतोष की उन्हें तिलक कर रही हैं। और यहाँ पर हम सब आ गए फैमिली पिक्स के लिए। तो यहाँ पर हैं डॉली, नवीन जी, डॉली के हस्बैंड, दीदी और अनीता दीदी, पाठक जी और बच्चे। तो ये था मेरा रक्षाबंधन का ब्लॉग, और इसी के साथ मैंने बनाया बहुत ही टेस्टी खाना। तो आज फेस्टिवल थाली बनी मेरे घर में, तो ये है फेस्टिवल थाली, घेवर है, ये है खट्टी मीठी दाल, और इसके साथ मैंने बनाए ये मूंग की दाल के दही भल्ले, हरी चटनी, और साथ में और ये मैंने बनाई है बाफला बाटी। इन्हें आटा टाइट गूंद कर बॉईल करके और फिर सेक कर फिर देसी घी में डिप किया जाता है। तो ये है हमारी स्पेशल फेस्टिवल थाली, और ऐसे खुशी खुशी स्वादिष्ट खाने के साथ प्यार भरा रक्षाबंधन हमारा पूर्ण हुआ। थैंक यू सो मच, और आप सभी को राखी की